जी तो अब आप जो अपने मोबाइल फ़ोन में वन क्लिक में किसी की भी ओल्ड फ़ोटो को रिपेयर कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं या उसकी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को जो है वो आप कलराइज कर सकते हैं और उसके आप जो है $5 जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइवर के ऊपर जो है कितने ज़्यादा सेलर जो है ये वाली सर्विस को सेल कर रहे हैं और उन्होंने 1000 ऑफ जो है ऑर्डर जो है कंप्लीट कर दिए और कितने ज़्यादा ऑर्डर जो है उनके पेंडिंग पे हैं। तो आज आप लोगों को एक ऐसी ऐप बताने वाला हूँ जिसमें आप जो है वो AI के मैथड से ये सारा काम जो है वन क्लिक के अंदर और कुछ ही सेकेंड में जो है वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के हमारे दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम ये देखेंगे कि वाकई ये ऐप काम करती है कि नहीं, आपको जब कुछ फोटो जो है वो रिपेयर करके दिखाऊंगा। फिर दूसरे नंबर पर आप लोगों को वो ऐप बताऊंगा जिसके अंदर हमने ये सारा काम किया है। यहाँ पर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दिया है, वहां से जाकर जो है आप क्लिक करके उस ऐप को जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए अब जो हमने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर जो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से सारा ये काम करना है। तो यहाँ पर ये ऐप का आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, यहाँ पर फेस रिपेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है। स्मार्ट रिपेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गैलरी से आप कोई भी फोटो जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक फ़ोटो है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर है और कुछ भी इसके अंदर वाजिया नहीं, इसकी क्वालिटी भी बहुत कम है। चलिए इसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं, इसको रिपेयर करके देखते हैं कि वाकई ये जो है क्लियर होती है कि नहीं। तो इस यहाँ पर जो है कन्फर्म रिपेयरिंग के ऊपर जो है वो आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये कुछ ही सेकंड लेगा, ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता, यहाँ पर तकरीबन ये 3 से 4 या 5 सेकंड लेगा। तो इस यहाँ पर तकरीबन 5 सेकंड के अंदर देखें आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ये थी हमारी जो है बिफोर और ये है आफ्टर। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर इसने फोटो को बिल्कुल जो है वो क्लियर कर दिया, उसकी क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है सिर्फ वन क्लिक के अंदर। इसी काम के जो आप पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेव टू फोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें वो कह रहा है दिस फोटो हैज़ बीन सेव टू एल्बम, तो आपकी गैलरी के अंदर ये फोटो जो है वो आ चुकी है। अब मैं आपको इसका दूसरा जो है मैजिक दिखाता हूँ कि आप जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलराइज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको कलराइज का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने स्मार्ट रिपेयर के ऊपर क्लिक करके फोटो को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये फोटो है जिसको जो है मैं रिपेयर जो है वो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी फ़ोटो को तकरीबन कुछ ही सेकंड के अंदर जो है वो रिपेयर कर देगा और आपकी फ़ोटो जो है वो कलराइज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें कुछ ही सेकंड के अंदर जो है इसने जो है हमारी फ़ोटो को कलराइज कर दिया। यहाँ पर आप देखें बहुत ही एक्यूरेट तरीके से यहाँ पर इसने जो है फ़ोटो को कलराइज किया है। आप देखें जो फेस का कलर है वो प्रॉपर फेस के ऊपर आ रहा है, जो हेयर्स का वो हेयर्स पे है और बैकग्राउंड का कलर जो है बैकग्राउंड पे आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है क्लिक करेंगे तो ये जो है आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो जब जो फोटोज़ हमने की हैं उनको हम देखते हैं कि कौन कौन सी फ़ोटोज़ हमने की हैं और क्या रिजल्ट जो हमें मिला है। तो यहाँ पर ये देखिए ये पहली फ़ोटो थी हमारी जिसका देखिए आप कितनी अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर क्लियरिटी आ चुकी है, और दूसरी पिक्चर ये देखें जिसके ऊपर हमने प्रॉपर तरीके से जो है वो कलर जो है वो कर दिए हैं। फिर चलिए अब आपको बता देता हूँ कि आपने इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है। तो आपने सिंपली मेरी डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर जो है लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर क्लिक करें और आप जो है इस तरीके से जो है प्ले स्टोर में आ जाएंगे। यहाँ पर ऊपर पहले नंबर पर आपको ऐप नज़र आ रही होगी, आपने इसको जो है डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे तो ये ऐप जो है आपकी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर ऐप का लिंक मौजूद है, उसे जाकर अभी डाउनलोड कर लें और आप उस पर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं या अपनी फोटोज़ को जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं थी, अगली तक के लिए बाय।